नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहें। हमें काफ़ी छात्रों के द्वारा अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं। आपसे निवेदन है कि जो भी क्वेरी हो आपकी, वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो, आप उसके लिए कमेंट करें, जिससे हम उसको और इम्प्रूव कर सकें। दोस्तों, आज का टॉपिक है डिस्टॉर्शन इन एंड लोडिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। पिछले क्लास में हमने इनफाइनाइट लेंथ के लिए ट्रांसमिशन लाइन को डिस्कस किया था कि अगर कोई भी ट्रांसमिशन लाइन इनफाइनाइट लेंथ की है तो उसके लिए उसके डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स को हमने इवेल्युएट किया था, जिसमें प्राइमरी कॉन्स्टेंट, सेकेंडरी कॉन्स्टेंट को स्टडी किया था। आज हम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर डिस्टॉर्शन एंड लोडिंग का जो प्रभाव है उसको अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, द सिग्नल ट्रांसमिटेड और ट्रांसमिशन लाइन्स आर कॉम्प्लेक्स एंड दे हैव मैनी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में, जब कम्युनिकेशन लाइन में जब हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो कम्युनिकेशन सिग्नल के अंदर बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं। जनरली जो एनर्जी सिग्नल होता है, जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा, तो वहाँ पर जो हमारे पास सिग्नल होता है वो केवल सिंगल फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जो 50 हर्ट्ज़ पर ट्रांसमिटेड होता है। लास्ट क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था। लेकिन जो कम्युनिकेशन सिग्नल होते हैं, दे हैव मैनी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं। इसीलिए ये जो कम्युनिकेशन लाइन है, जिसका जो सिग्नल है वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिग्नल होता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की वजह से। इन आइडियल ट्रांसमिशन लाइन, द सिग्नल रिसीव्ड एट रिसीविंग एंड आर एग्जैक्टली रिप्लिका ऑफ ट्रांसमिशन सिग्नल, सच लाइन्स आर डिस्टॉर्शन फ्री लाइन्स। यानी प्रैक्टिकली हमारा जो एम होता है, रहता है, वो ये रहता है कि जो भी हम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं ट्रांसमीटर से थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन, रिसीविंग एंड पर वो सिग्नल एकदम एग्जैक्ट रिप्लिका होना चाहिए इनपुट का। मीन्स उसकी ओरिजिनल शेप वही होनी चाहिए जो शेप हमने, या जो सिग्नल हमने वहाँ से सेंडिंग एंड से भेजा है। तो ऐसी लाइन जिनमें रिसीविंग एंड पर जो सिग्नल प्राप्त होता है, अगर वो एग्जैक्ट रिप्लिका होता है सेंडिंग एंड का, तो ऐसी लाइन को हम डिस्टॉर्शन फ्री लाइन्स बोलते हैं। यानी ऐसी लाइन जिनमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, आइडियली ऐसा होना चाहिए। बट इन प्रैक्टिकल लाइन्स, व्हेन सिग्नल पासिस थ्रू द लाइन्स, द सिग्नल इज डिस्टॉर्टेड ड्यू टू द फ्लो फॉलोइंग रीजंस। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, जब सिग्नल लाइन के अंदर ट्रेवल करता है तो सेंडिंग एंड से जब रिसीविंग एंड पर सिग्नल पहुंचता है, तो दैट विल नॉट अ एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ द इनपुट। यानी कि वो सिग्नल इनपुट सिग्नल के जैसा नहीं होता, उसमें शेप में, उसकी साइज में कुछ डेविएशन आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल शेप से डेविएट हो जाता है, जिसको हम डिस्टॉर्शन बोलते हैं। तो जो डिस्टॉर्शन लाइन में आता है, उसके कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन आता है। जैसे पहला रीजन है, द आइडियल करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज रिक्वायर्ड टू टर्मिनेट द लाइन। यानी किसी भी लाइन को टर्मिनेट करने के लिए जो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो आइडियल होना चाहिए। बट द करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज अ फैक्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जेड ओ इज इक्वल टू अंडर रूट में आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में हम इसे ड्राइव कर चुके हैं, जिसमें हम देखें तो जो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, इट्स अ फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इट्स अ फैक्टर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो हम आइडियली ये चाहते हैं कि हमारी लाइन आइडियल करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से टर्मिनेट हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन लाइन के अंदर जो सिग्नल होता है उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं, और क्योंकि करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हमारा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए उस सिग्नल के अंदर हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होंगे, जो एक कारण होगा डिस्टॉर्शन का। दूसरा कारण जो होता है, एटीन्यूएशन है। एटीन्यूएशन के लिए भी हमने लास्ट लेक्चर्स में ड्राइव किया था, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1/2 रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी। इस इक्वेशन को हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो एटीन्यूएशन इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, कि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो अल्फा चेंज होगा। इसीलिए हम ये कहेंगे कि कम्युनिकेशन सिग्नल के अंदर जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए एटीन्यूएशन भी अलग अलग होगा।
इसी तरह से फेज कांस्टेंट की रिलेशनशिप हम देखें बीटा की, तो बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाय 2 आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी। इस इक्वेशन में भी देखें तो इट्स ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हैंस द फेज रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एट रिसीविंग एंड विल नॉट बी द सेम। यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज हमें मिलेंगी उनकी जो फेज रिलेशनशिप है इनपुट के साथ वो एक जैसी नहीं होगी, हर एक फ्रीक्वेंसी की रिलेशनशिप डिफरेंट होगी क्योंकि हर एक फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और फेज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग फेज कांस्टेंट होगा। तीसरा रीजन है द वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपोगेशन इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी हमने कैलकुलेट किया था, वी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन बीटा। अगर इससे देखें तो वी द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन है वो भी ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब जितने भी सिग्नल जो भी सिग्नल कम्युनिकेशन लाइन का ट्रांसमिशन लाइन से जाएगा तो उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हैं, तो हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा जिसकी वजह से सिग्नल में डिस्टॉर्शन आएगा। यानी कि हमने तीन रीज़न देखे, पहला करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस आइडियल नहीं है, दूसरा एटीन्यूएशन एंड बीटा जो है वो भी हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग होता है, और इसके साथ साथ प्रोपोगेशन वेलोसिटी जो है वो भी हर एक कंपोनेंट की डिफर करती है। दीज थ्री रीजंस आर दी बाय विच वील गेट दी डिस्टॉर्शन इन दी लाइन एट दी रिसीविंग एंड, जिसकी वजह से रिसीविंग एंड पे एक डिस्टॉर्शन होता है। अब बात आती है डिस्टॉर्शन होता है, डिस्टॉर्शन होने का मतलब कोई भी सिग्नल अपनी ओरिजिनल शेप से डेविएट कर रहा है। अब वो ओरिजिनल शेप से डेविएट कैसे हो सकता है, ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक है जिसमें परिवर्तन होने वाला है, उसे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन में। तो पहला जो डिस्टॉर्शन होता है दैट इज दी फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। द अटेन्युएशन इज हाई इन हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एज कंपेयर टू लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, क्योंकि अटेन्युएशन हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पे ज़्यादा होता है, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पे कम होता है। तो जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो अलग अलग सबका अटेन्युएशन होगा, जिसकी वजह से जो सिग्नल होगा रिसीविंग एंड पे उसमें फ्रीक्वेंसी में डिस्टॉर्शन आ जाएगा। दूसरा जो डिस्टॉर्शन है वो डिले डिस्टॉर्शन है, यानी कि जो सिग्नल हमारे जा रहे हैं तो हर एक कंपोनेंट के जो फेज है, फेज रिलेशनशिप है, वो हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए अलग अलग होगी। इसका मतलब रिसीविंग एंड पे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में सभी के अंदर कुछ ना कुछ फेज डिफर करेगा। सो दीज आर दी टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन कि फ्रीक्वेंसी में डिस्टॉर्शन हो सकता है और फेज में डिस्टॉर्शन हो सकता है। अब हमें करना क्या है कि हमें इस डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज करना है, जो अटेन्युएशन आ रहा है लाइन में जो फेज में उसको हमें मिनिमाइज करना है। उसके लिए वी हैव टू स्टडी कंडीशन फॉर मिनिमम अटेन्युएशन, यानी वो कौन सी परिस्थिति होगी, वो कौन सी कंडीशन होगी जिसमें ये अटेन्युएशन मिनिमम हो जाए। तो क्योंकि हम जानते हैं इक्वेशन अल्फा की जो इक्वेशन है अंडर रूट में 1 बाई 2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी, अगर इस इक्वेशन को हम बोथ साइड से स्क्वायर कर दें तो हमें 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी प्लस आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी मिलेगा। लेट आर जी एंड सी आर कॉन्स्टेंट, अगर हम ये मानते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर रजिस्टेंस कंडक्टेंस और कैपेसिटेंसेज आर कॉन्स्टेंट हैं लेकिन एल को हम वेरिएबल मान रहे हैं, एल हमने वेरिएबल माना है, डिफ्रेंसिएशन अबव डिफ्रेंसिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एल। अब इस इक्वेशन में आर जी और सी तो कांस्टेंट है केवल एल वेरी कर रहा है, तो इसकी वजह से हम इसमें इस इक्वेशन को डिफ्रेंसिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एल। तो 4 अल्फा डी अल्फा ओवर डी एल की हमारे पास एक इक्वेशन आती है फॉर मिनिमम एटीन्यूएशन। अगर एटीन्यूएशन मिनिमम होना चाहिए तो डी अल्फा ओवर डी एल की जो वैल्यू वो जीरो होनी चाहिए, तो हमने डी अल्फा ओवर डी एल की वैल्यू को जीरो पुट कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन आई ओमेगा स्क्वायर एल जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर सी। तो इससे अगर हम निकालें तो हमारे पास एल जी इज इक्वल टू आर सी फाइनली हमें मिलता है, तो एल अपॉन सी इज इक्वल टू आर अपॉन जी, तो एल इज इक्वल टू आर सी अपॉन जी आता है हमारे पास हेनरी में। हैंस फॉर मिनिमम एटीन्यूएशन द वैल्यू ऑफ एल मस्ट बी आर जी अपॉन सी। अगर हमें एटीन्यूएशन मिनिमम रखना है तो उस कंडीशन में जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू आर सी अपॉन जी होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन मैच करती है तो हम ये कहेंगे कि लाइन के अंदर जो एटीन्यूएशन है वो मिनिमम होगा।
नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन अल्फा, अब अल्फा की वैल्यू में हम एल की इक्वेशन पुट कर देते हैं, तो नीचे देखें अल्फा इज इक्वल 1.2 अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल की जगह पर हमने ओमेगा आर सी अपॉन जी की वैल्यू पुट कर दी है, तो हमें इक्वेशन मिलती है और फाइनली अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में आर जी ये मिलता है। अगर इक्वेशन वन को हम देखें तो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज आर जी आर सी अपॉन जी देन दी अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि अगर हम ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस की वैल्यू को आर सी अपॉन जी लेते हैं तो जो एटीन्यूएशन कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू निकल के आती है वो अंडर रूट में आर जी है, दैट मीन्स द एटीन्यूएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमने एल की वैल्यू को बैलेंस करके विद आर सी अपॉन जी से कंडीशन मैच करा के हमने अल्फा को इंडिपेंडेंट कर दिया फ्रीक्वेंसी से, जिसकी वजह से जो एटीन्यूएशन की वजह से जो डिस्टॉर्शन था वो डिस्टॉर्शन दूर हो जाता है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन ऑफ फेज कॉन्स्टेंट, अब हमने अल्फा एटीन्यूएशन कॉन्स्टेंट को रिमूव कर दिया, अब हम एल की वैल्यू को बीटा में पुट करते हैं। तो बीटा की वैल्यू में देखें आप, हमने आर सी अपॉन जी की जो वैल्यू है वो पुट कर दी है, तो हमें जो बीटा की वैल्यू है वो बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एल सी मिलता है, ओमेगा अंडर रूट एल सी। अब द वेलोसिटी ऑफ फेज वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वी पी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन बीटा, अब हमने यहाँ पर बीटा की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास वी पी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन ओमेगा अंडर रूट एल सी, तो वन अपॉन अंडर रूट एल सी। तो ये देखें कि इस इक्वेशन टू को अगर हम देखें तो हमने एल की वैल्यू अगर आर सी अपॉन जी रखी है तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी है फेज वेलोसिटी उसको भी हमने इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी कर दिया है, जिसकी वजह से जितनी भी फ्रीक्वेंसी हैं वो सारी एक ही वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगी। जब एक ही वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगी तो उनके फेज में कोई डेविएशन नहीं होगा। फेज में डेविएशन होने का मतलब है कि एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पहले आ गया, उसके कुछ एंगल के बाद कुछ टाइम के बाद दूसरा मिला, फिर तीसरा, इस तरह से उनके फेज में कुछ डिफरेंस है, इट्स मे बी समथिंग थीटा। तो वो फेज डिफरेंस वेलोसिटी में डिफरेंस होने की वजह से मिलता है। अगर सारी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एक ही वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे तो उनके फेज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो वो देखें तो हमने उस फेज को भी हमने रिमूव कर दिया है, वेलोसिटी इक्वल कर दी, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हमने इस डिस्टॉर्शन को भी दूर कर दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक इंपीडेंस। करैक्टरिस्टिक इंपीडेंस के लिए हमारे पास इक्वेशन है जेड ओ इज इक्वल टू अंडर रूट में आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी। इसमें हम देखें तो हमने यहाँ पर भी एल की वैल्यू आर सी अपॉन जी पुट कर दी है, तो हमारे पास जो फाइनली जेड ओ की जो वैल्यू आ रही है वो अंडर रूट में आर अपॉन जी इज इक्वल टू अंडर रूट में एल बाई सी। अगर इक्वेशन वन टू हम पहले से गए, थ्री को देखें तो इफ द वैल्यू ऑफ एल इज आर सी अपॉन जी देन द एटीन्यूएशन वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन एंड करैक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ लाइन्स आर कॉन्स्टेंट। हम देखें तो हमने इक्वेशन वन और टू और थ्री को हम स्टडी करें तो तीनों से हमने तीनों टर्म को करैक्टरिस्टिक इंपीडेंस एटीन्यूएशन कॉन्स्टेंट फेज वेलोसिटी तीनों को हमने फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट कर दिया है, तीनों ही वैल्यू अब कॉन्स्टेंट है, जिसकी वजह से लाइन में जो डिस्टॉर्शन था वो डिस्टॉर्शन रिमूव हो जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन, एल अपॉन सी इज इक्वल टू आर अपॉन जी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट दी डिस्टॉर्शन इन ट्रांसमिशन लाइन। नाउ वी कम्स ऑन दी लोडिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। बिकॉज आर अपॉन एल इज मच मच ग्रेटर देन जी अपॉन सी, ड्यू टू दिस द लाइन इज डिस्टॉर्टेड। क्योंकि हम देखते हैं कि हमने आर और एल, जी और सी, तीन चार हमारे पास प्राइमरी कॉन्स्टेंट थे ट्रांसमिशन लाइन के। इसमें अगर आर बाई एल का रेशियो आप लें और जी बाई सी का रेशियो लें तो आर बाई एल की वैल्यू जी बाई सी से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लाइन में डिस्टॉर्शंस मिलते हैं। अब करना क्या हमें डिस्टॉर्शन को रिमूव करना है तो हमें एल की वैल्यू को चेंज करना होगा। अब अगर मुझे आर बाई एल को जी बाई सी से के बराबर लाना है तो मुझे आर बाई एल के रेशियो को कम करना पड़ेगा। अब इसमें आर तो हमने कॉन्स्टेंट माना है, जी भी कॉन्स्टेंट माना है, सी भी कॉन्स्टेंट माना है, हमने केवल एल को वेरी माना है। तो हम एल को वेरी करते हुए कैसे इसको बराबर लाएंगे कि एल की वैल्यू को अगर हम बढ़ा दें तो आर बाई एल का जो रेशियो है उसकी वैल्यू कम होती है, वो कम होगी। दिस इज वील ट्राई टू कम इट टू नियर बाई जी बाई सी। तो पहला तो हम ये कर सकते हैं कि एल की वैल्यू को इनक्रीज कर दें टू रिड्यूस दी आर बाई एल। कीप इट माइंड दैट दी वैल्यू ऑफ सी इज डिपेंडेंट अपॉन दी लाइन स्ट्रक्चर, हैंस इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ईजिली। क्योंकि आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि हम एल की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं
तो सी की वैल्यू को भी तो कम कर सकते हैं। अगर सी की वैल्यू को कम करेंगे तो जी वाई सी बढ़ेगा, तो दैट विल ऑल्सो नियर टू दी आर वाई एल। लेकिन क्योंकि सी की जो वैल्यू है वो लाइन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, तो लाइन के स्ट्रक्चर की वजह से हम सी को चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि हम एल को वेरी करें। तो एल को हम अगर बढ़ाते हैं तो आर वाई एल कम होता है। द वैल्यू ऑफ एल कैन बी इंक्रीज बाय चेंजिंग द लाइन कॉन्फिगरेशन एंड यूज ऑफ हाई इंडक्टिव लाइन। अब एल की वैल्यू को हमें बढ़ाना है तो कैसे कर सकते हैं हम? उसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, चेंजिंग द कॉन्फिगरेशन, एक तो लाइन का कॉन्फिगरेशन चेंज करें, एंड यूज ऑफ हाई इंडक्टिव वायर्स। और जो वायर हम यूज करें ट्रांसमिशन लाइन में वो हाई इंडक्टिव वायर हो, उनकी इंडक्टेंस ज्यादा हो। लोडिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स। लोडिंग इज द प्रोसेस वेयर बाई द इंडक्टेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज आर्टिफिशियली इनहांस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डिस्टोर्सन लेस कंडीशन। दिस कैन बी डन एज फॉलोज। यानी लोडिंग इज द प्रोसेस वेयर बाई द इंडक्टेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज आर्टिफिशियली इनहेंस्ड। यानी लोडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इंडक्टेंस की वैल्यू को आर्टिफिशियली इनहेंस्ड करते हैं जिससे लाइन डिस्टोर्शन फ्री हो। जैसे ऊपर वाले हमने सेक्शन में पढ़ा था कि आर बाई एल में से एल को हम बढ़ाएंगे तो आर बाई एल कम होगा, लेकिन एल को हम बढ़ाएंगे कैसे? हम आर्टिफिशियली इनको इन्हेंस्ड करते हैं। अगर इसे इन्हेंस्ड कर देंगे, एल की वैल्यू को बढ़ा देंगे, तो लाइन में जो डिस्टोर्शन है वो डिस्टोर्शन लेस कम्युनिकेशन होगा। लेकिन इसको आर्टिफिशियली इन्हेंस्ड करने के लिए दो कंडीशंस होती हैं, एक तो एड इंडक्टेंस एट स्पेसिफिक लोकेशन इन लम्प्ड फॉर्म, कि हम ट्रांसमिशन लाइन में स्पेसिफिक लोकेशंस पर इंडक्टेंस इंडक्टर्स को ऐड कर दें इन द फॉर्म ऑफ लम्प्ड, क्योंकि जो पैरामीटर आर एल सी हमने पढ़े हैं या जी पढ़ा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑल ओवर दी लेंथ, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस विल बी सेम। बट लम्प्ड फॉर्म में हमने एक पर्टिकुलर इंडक्टेंस को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पर लगा दिया, वो ऑल ओवर द लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो हम एक लम्प्ड लोकेशन लम्प्ड इंडक्टेंस लगा देते हैं स्पेसिफिक लोकेशन पर। दूसरा जो मेथड है, बाय इंस्टॉलिंग कोएक्सियल केबल इन सीरीज विद लाइन। लाइन के सीरीज में हम कोएक्सियल केबल ऐड कर दें। तो ये दो मेथड होते हैं जिससे हम लोडिंग को कम कर सकते हैं, डिस्टॉर्शन फ्री लाइन को कर सकते हैं। टाइप ऑफ लोडिंग क्या क्या हो सकती है? एक तो कंटिन्यूस लोडिंग है। इन दिस मेथड अ मैग्नेटिक मटेरियल सच एज न्यू मेटल और आयरन इज वाउंड अराउंड द कंडक्टर टू बी लोडेड इन द फॉर्म ऑफ टेप। अगर आप फिगर 6.13 को देखें तो इसमें हमने एक कॉपर कंडक्टर लिया है जिसकी डायमीटर डी है, और इस कंडक्टर को हमने आयरन वायर के थ्रू वाउंड कर दिया, इसके सराउंडिंग में हमने वायर लपेट दिया है, वो वाउंड किया है इसको, और जिस द थिकनेस ऑफ द वायर और द थिकनेस ऑफ द वायर इज टी, टेप की फॉर्म में हमने इसके चारों एक वायर लगा दिया है। विद दिस मैग्नेटिक टेप द परमेबिलिटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम इज इंक्रीज्ड। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम इस वायर को लपेट देंगे कंडक्टर के चारों ओर, तो इसकी जो मैग्नेटिक टेप है इसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। अब परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी तो अगर देखें तो परमिएबिलिटी बढ़ने से क्या होगा? इंडक्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि एल इज इक्वल टू म्यू अपॉन डी एन टी प्लस वन। ये हमारे पास एक इक्वेशन होता है जिससे जो इंडक्टेंस परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर परमिएबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब इंडक्टेंस बढ़ रहा है, और हमारा मेन एम यही था कि हमें इंडक्टेंस को बढ़ाना है। एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 100 मिली हेनरी पर माइल इन दी कंडक्टर इंडक्टेंस मे बी अचीव बाई दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा 100 मिली हेनरी पर माइल पे हम इंडक्टेंस को अचीव कर सकते हैं। अब कंटिन्यूस लोडिंग का ड्रॉबैक क्या है? एक तो दिस इज कॉस्टली, इसकी कीमत ज़्यादा होती है। रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज ड्यू टू हिस्टेरेसिस लॉसेस इन दी टेप। जब हम टेप लगाते हैं चारों ओर कंडक्टर के, तो उसमें रजिस्टेंस जो कंडक्टर की है वो हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से उसकी रजिस्टेंस बढ़ जाती है। इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू यूज़ इन सबमरीन केबल्स ओनली। दूसरा, हम कंटिन्यूस लोडिंग को सबमरीन केबल्स में यूज़ करते हैं। इसके बाद दूसरी जो लोडिंग आती है, दैट इज पैच लोडिंग। समटाइम्स अ केबल मे हैव अ सेक्शन ऑफ कंटिन्यूस लोडिंग फॉलोड बाई एन अनलोडेड सेक्शन इन ऑर्डर टू रिड्यूस दी कॉस्ट। यानी हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास एक सेक्शन कंटिन्यूस लोडिंग है, उसको अगर हम अनलोडेड सेक्शन से कास्केड में कनेक्ट कर दें तो उसकी वजह से लाइन की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। सच अ लोडिंग इज टर्म्ड एज पैच लोडिंग। यानी कि एक हमने कंटिन्यूस लोडिंग वाले सेक्शन को अनलोडेड वाले सेक्शन से कास्केड में कनेक्ट कर दिया, तो दिस टाइप ऑफ लोडिंग इज पैच लोडिंग। तीसरी जो लोडिंग है, दैट इज लम्प्ड लोडिंग। इन दिस टाइप ऑफ लोडिंग द इंडक्टेंस ऑफ द लाइन इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग इंडक्टेंस कॉइल एज यूनिफॉर्म यूनिवर्सल अलोंग द लाइन।
यानी कि हम अलोंग द लाइन यूनिवर्सल इंडक्टेंस हम कॉइल की एक यूनिफॉर्मली इंटरवल्स पे अलॉट करते हैं, यानी अलोंग द लाइन एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर हमने डिफरेंट इंडक्टेंस कॉइल्स को ऐड कर दिया है, लेकिन सारी कॉइल्स एक दूसरे से इक्वल इंटरवल्स पर प्लेस्ड होनी चाहिए। व्हेन स्पेसिंग बिटवीन द लोडिंग कॉइल्स इज केप्ट यूनिफॉर्म द लाइन बिहेव्स एज इफ एडेड इंडक्टेंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग द लाइन्स एट ऑल फ्रीक्वेंसीज एबव कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि जब हम लाइन की स्पेसिंग को यूनिफॉर्म रखते हैं, और हमें रखनी चाहिए, लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि अगर हम इंडक्टेंस ऐड कर रहे हैं और वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग द लाइन एडेड इंडक्टेंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग द लाइन एट ऑल फ्रीक्वेंसीज एव द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ऊपर की जितनी फ्रीक्वेंसी है उस पर जो लाइन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन होनी चाहिए। फॉर सिग्नल फ्रीक्वेंसीज एबव दिस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी द अटेन्यूएशन राइजेज रैपिडली एंड द लाइन बिहेव्स एज अ लो पास फिल्टर। यानी कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इस सिग्नल फ्रीक्वेंसी अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में एट्यूनेशन बहुत तेजी से बढ़ता है एंड द लाइन बिहेव्स एज अ लो पास फिल्टर। अगर आप देखें नीचे हमने डायग्राम जो दिखाया है, इस डायग्राम में हमने लाइन के लिए कर्व शो किया है जिसमें कॉइल लोडेड, कंटिन्यूसली लोडेड और अनलोडेड लाइन के लिए कर्व शो किए हैं। तो दीज आर दी लोडेड व अनलोडेड लाइन की फ्रीक्वेंसी वर्सेस कर्व है, अटेन्यूएशन कर्व है। समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ लोडिंग कॉइल एट इट्स करेक्ट पॉइंट, देन इट मे बी पुट एट एनी नियर बाई बट कन्वीनियंट पॉइंट। यानी कभी कभी ऐसा होता है, हमने कहा कि जो भी इंडक्टेंस हमें लाइन में ऐड करने हैं वो स्पेसिफिक डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर प्लेस्ड होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू प्लेस अ इंडक्टेंस एट अ इक्वल डिस्टेंस, तो हम उस पर नहीं रहे तो उसके नियर बाई किसी डिस्टेंस पे हम उसको कन्वीनियंट प्लेस पर, पॉइंट पर हम उसे प्लेस कर देते हैं। लेकिन जब डिस्टेंस स्पेसिंग बढ़ने की वजह से उसके जो इंडक्टेंस में इफेक्ट आया उसको हम कैपेसिटर के थ्रू न्यूट्रलाइज भी करना पड़ता है। इफेक्ट ऑफ करेक्ट लोडिंग ऑन सेकेंडरी कॉन्स्टेंट ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन आर एज फॉलोज। अब लोडिंग का जो इफेक्ट है वो सेकेंडरी पैरामीटर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें देखेंगे। सेकेंडरी पैरामीटर कौन कौन से थे हमारे पास? करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, एटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट, फेज कॉन्स्टेंट एंड फेज वेलोसिटी। दीज आर दी सेकेंडरी पैरामीटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो वॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्राइमरी पैरामीटर ऑन द सेकेंडरी पैरामीटर? द करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बिकम्स कॉन्स्टेंट एंड प्योरली रेजिस्टिव। करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा और प्योरली रेजिस्टिव होगा। एटीन्यूएशन कॉन्स्टेंट इज रिड्यूस्ड एंड इज प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट ओवर दी वर्किंग फ्रीक्वेंसी रेंज। यानी जो एटीन्यूएशन कॉन्स्टेंट है वो भी कम हो जाएगा और प्रैक्टिकली वो ये कॉन्स्टेंट रहेगा ऑल ओवर दी वर्किंग फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी सभी फ्रीक्वेंसी के लिए एटीन्यूएशन कॉन्स्टेंट रहेगा। फेज शिफ्ट कॉन्स्टेंट इज इंक्रीज, फेज वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड एंड बिकम्स कॉन्स्टेंट ओवर दी वर्किंग फ्रीक्वेंसी रेंज। फेज वेलोसिटी कम हो जाती है और कॉन्स्टेंट रहती है ओवर दी वर्किंग फ्रीक्वेंसी रेंज, क्योंकि समस्या ये थी कि फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे अटेन्यूएशन, फेज, वेलोसिटी एंड करेक्टरिस्टिक में चेंज हो रहे थे, वो हमारे चेंज अब नहीं होते, दे विल बी कॉन्स्टेंट और डिस्टॉर्शन भी लाइन में डिक्रीज होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंकिंग फॉर वॉचिंग द वीडियो।